हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ है और एक्सरसाइज हमारे पास है 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रिचेज ए विंडो 8 मीटर अबोव द ग्रुप। हमारे पास एक क्या दे रखी है, लैडर दे रखी है, एक लैडर मीन्स सीढ़ी, एक सीढ़ी दे रखी है जो 10 मीटर लॉन्ग 10 मीटर लंबी है, रिचेज ए विंडो और किससे लगाई गई है, एक विंडो के साथ लगी हुई है, अबोव द ग्राउंड, किससे, ग्राउंड से, कितनी है 8 मीटर डिस्टेंस पर है विंडो जो हमारे पास ग्राउंड से लगी हुई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालने, कहाँ से, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, जो वॉल का बेस है उससे हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ द लैडर, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पिज़ेटी थ्योरम यूज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट ए सी, ए सी बी द लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास पिज़ेटी थ्योरम में क्या होता है कि बी सी का स्केयर हाइपरटेन्यूज का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो वही लिखेंगे हम, बी सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर इज इक्वल टू होगा किसके, ए सी स्केयर के। बी सी स्केयर हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू ए सी स्केयर, इसको इधर लेके आए माइनस ए बी स्केयर, बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी, हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर 10 स्केयर माइनस से ये भी हमारे पास 8 है, 8 स्केयर आ जाएगा, 10 स्केयर आएगा 100 माइनस 8 का स्केयर 64, 100 में से 64 को माइनस कर देंगे 36 आया, बी सी हमारे पास कितना आ जाएगा, स्केयर को इधर लेके आए रूट है 36। अब 36 किसका रूट है, 6 का, तो हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या आई 6 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए गे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज इट 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज इज टेक अटैच्ड ऑन द अदर एंड। हमारे पास क्या दे रखा है, एक गे दे रखा है वायर जो अटैच कर रखी है एक वर्टिकल पोल से, एक वर्टिकल पोल से अटैच कर रखी है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग, और ये कितनी है रोप हमारे पास कितनी लंबी है 24 मीटर लॉन्ग, एंड हैज इज टेक अटैच टू द अदर एंड, और दूसरी साइड उसको स्टिकली अटैच कर रखा है। हाउ far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be torn। अगर हम इसको वायर को टाइटली स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो इसके फुट है इससे कितनी दूरी पर अटैच होगी, ये हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो वही करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस ए बी सी स्केयर, ए सी हमारे पास कितना है 24, स्केयर इज इक्वल टू ए बी 18 स्केयर प्लस बी सी स्केयर 24, स्केयर क्या आएगा 576, इसको इधर लेके आए माइनस 18 का स्केयर 324 इज इक्वल टू बी सी स्केयर, बी सी स्केयर इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर देंगे 252 आएगा। अब 252 को हमने ब्रेक कर लिया तो क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 36 किसका स्केयर है 6 का और 7 है उसको एज इट इज रख देंगे रूट के अंदर, तो हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6√7 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लिव्स इन एयरपोर्ट एंड फ्लाई डू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया और हमारे पास साइड्स क्या हैं, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साउथ आ जाएगा, इसी तरह से हमारे पास इधर हमारे पास क्या आ जाएगा वेस्ट आ जाएगा, इधर ईस्ट आ जाएगा। तो हम क्या दे रखा है, एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है एयरपोर्ट को छोड़ रहा है एंड ड्यू नॉर्थ एट स्पीड, किस स्पीड से नॉर्थ की साइड चला, किस स्पीड से 1000 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से एक एरोप्लेन चला और कितनी स्पीड से चला है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, एट द सेम डिस्टेंस अनदर प्लेन लिव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई डू वेस्ट टू स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। एक किधर गया है, वेस्ट की साइड गया है उसे, और वो किस स्पीड से गया 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फार अपार्ट विल बी
टू प्लेन्स आफ्टर वन फ्रैक्शन 1/2 आवर. तो दोनों के दोनों प्लेन्स हैं वो वन फ्रैक्शन 1/2 आवर के बाद कितनी डिस्टेंस पर होंगे. अब एक नॉर्थ की साइड गया, एक वेस्ट की साइड गया, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे. अब डिस्टेंस निकाली इसकी हमने, जब डिस्टेंस निकाली तो क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड हमारे पास कितनी है, 1000 है. नॉर्थ की साइड जब गया था तो 1000 की स्पीड से गया था, 1000 मल्टीप्लाई टाइम कितना, वन फ्रैक्शन 1/2. तो क्या कर देंगे, 3/2, 2 से कैंसिल कर दिया, 500 3 जा 1500 किलोमीटर. तो नॉर्थ की साउथ में जो गया वो कितनी किलोमीटर पहुंच गया, 15 किलोमीटर पहुंच चुके हैं. दूसरा हमारे पास जो वेस्ट की साइड गया उसका हमारे पास क्या है, वो 1200 किलोमीटर की स्पीड से उड़ा था. तो 1200 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 600, 63 जा 18, वो कितनी डिस्टेंस पर है, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. अब इनके बीच की दूरी, यहाँ पर ए प्लेन है यहाँ बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें. तो इसके बीच की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, पीजीटी थ्योरम. तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. OA हमारे पास 1500 स्क्वायर प्लस OB 1800 स्क्वायर. 1500 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का 225 और 2 का डबल टाइम्स कर देंगे, 18 का स्क्वायर 324 और 4 टाइम्स 0. दोनों को हमने प्लस कर दिया, 549 और 4 टाइम्स 0 लिख दिए. अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, 9 मल्टीप्लाई 61, 91 जा 9, 96 जा 54. तो इसको हमने ब्रेक कर दिया और 100. अब 100 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे और 9 को किसका लिख देंगे, 3 का 100, 3 जा 300 और रूट 61 किलोमीटर. तो अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 रूट 61 किलोमीटर. नेक्स्ट है हमारे पास 12. टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर. दो पोल है हमारे पास, एक 6 मीटर का एक 11 मीटर का. स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पर है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर. दोनों के जो फिट की, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो उनके जो टॉप है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करूँ. ये हमारे पास दो पोल दे रखे हैं, एक 6 मीटर का है और एक 12 मीटर का है, 11 मीटर का है. तो ये देखो, ये ए बी हो गया, ये सी डी नाम रख लिया. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12. हम हमें क्या निकालना है, ए से डी निकालना है. दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 6 हो जाएगा. और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, टोटल 11 था, ये 6 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा. ये 5 मीटर हो गया. और ये 12 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर होगा. अब हमें बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया. क्या निकाल देंगे, हाइपरटेन्यूज निकाल देंगे. लेंथ ऑफ पोल इज 6 मीटर एंड 11 मीटर. डी ई, हमने डी ई निकाल लिया. डी ई निकालने के लिए हमने क्या किया, डी सी माइनस ई सी, 11 में से 6 माइनस कर दिया, 5 आ गया. इन ट्रायंगल डी ए ई, इस ट्रायंगल के अंदर क्या लिखेंगे, डी ए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर. ए ई हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25. दोनों को प्लस कर देंगे, 169. ए डी इज इक्वल टू रूट 169 और 169 का रूट कितना होता है, 13. तो ये हमारे पास कितना आया, 13 मीटर. नेक्स्ट है 13. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी. डी और ई हमारे पास दो पॉइंट है, एक डी है और एक ई है. किस पर है, सी ए और सी बी. डी पॉइंट है वो कहाँ है, सी ए पर है, और ई पॉइंट है वो सी बी पर है. ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, जहाँ पर राइट एंगल किस पर है, सी पर. प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर, हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल होगा किसके, ये दोनों, ये और ये, इसका स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर के इक्वल होगा. इन दोनों का स्क्वेयर इन दोनों के स्क्वेयर के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल सी है वो 90 डिग्री है. तो इट मीन्स ए बी का स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया. अब जो इसी तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल है, एक यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें हम क्या लिख देंगे, डी ई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर के. इसको इक्वेशन टू नाम दे दिया. अब हम इसको प्रूव करेंगे. देखो, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर को हमने क्या लिख दिया, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और डी ई स्क्वेयर, डी ई स्क्वेयर को हमने क्या लिख दिया, डी सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर. अब ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर दोनों को प्लस कर दिया, ए सी स्क्वेयर ए
सी, ए सी का स्क्वेयर प्लस सी ई का स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या बन गया इसका हाइपरटेन्यूज, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए ई स्क्वेयर प्लस दूसरा डी ई है ये डी सी स्क्वेयर, डी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल हो जाएगा डी बी के स्क्वेयर के, तो इसको क्या लिख देंगे प्लस बी डी स्क्वेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, हमारे पास एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी, और जो बी सी है वो इंटरसेक्ट करता है किस पर, डी पर, सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी, प्रूव दैट 2 ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ये हमारे पास क्या है इसकी फिगर दे रखी है। फिगर के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास क्या है, ये दे रखा आपको इन ट्रायंगल ए डी बी, हम ट्रायंगल लेके चल पड़े ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल के अंदर क्या लिखेंगे ए बी का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, इसको हमने लिख दिया। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं ए डी स्केयर प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो है बी सी में से सी डी को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे बी सी माइनस डी सी का स्केयर लिख दिया, ए डी स्केयर प्लस बी इसका होल स्केयर ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो ए बी सी स्केयर प्लस डी सी स्केयर माइनस टू बी सी इंटू डी सी। अब इसको मैंने इकट्ठा किया ए डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, और इसको अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो कैसे कर देंगे ए डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर, ए डी का स्केयर प्लस डी सी का स्केयर प्लस बी सी स्केयर माइनस टू बी सी इंटू डी सी। अब इसको मैंने अगर लिख दिया तो क्या लिख देंगे, जो हमारे पास डी सी है बी डी है वो क्या दे रखा है 3 टाइम्स सी डी है, बी डी वो किसके इक्वल है सी डी के 3 टाइम्स है हमारे पास, तो सी डी के 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इस इक्वल टू में क्या दे रखा है 4 टाइम्स सी डी, कि जो सी डी है हमारे पास सी डी उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो किसके इक्वल है बी सी के, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं 4 को उधर लेके गए 1/4 बी सी, इसको हम अप्लाई करेंगे कैसे ए सी स्केयर डी सी है, डी सी को हम क्या लिख सकते हैं डी सी को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, अब इसको लिख लेके चल पड़े तो क्या लिख देंगे कि ए डी प्लस डी सी का स्केयर क्या लिख दिया ए डी का, और प्लस डी सी का स्केयर क्या लिख सकते हैं हम ए सी का होल स्केयर, तो इसको तो मैंने लिख दिया ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर माइनस टू बी सी इंटू डी सी को मैंने क्या लिख दिया डी सी को 1/4 बी सी लिख दिया, ए बी स्केयर अपोजिट साइड इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर माइनस 2 बन जा 2 2 आ जाएगा, और बी सी का होल स्केयर 1/2 बी सी स्केयर। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा 2 ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 ए सी स्केयर प्लस 2 बी सी स्केयर माइनस बी सी स्केयर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बी सी का स्केयर, और ये क्या 2 ए सी स्केयर प्लस 2 बी स्केयर, ये हमारे पास प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी साइड पर डी एक पॉइंट है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू, जो बी डी है वो किसके इक्वल है बी सी के 1/3 के इक्वल, मीन्स बी सी का थर्ड पार्ट है ये हमारे पास बी डी, प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वेयर, हमें प्रूव करना है कि 9 ए डी स्क्वेयर है कि 9 टाइम्स ए डी का स्क्वेयर वो किसके इक्वल आ जाएगा 7 टाइम्स ए बी के स्केयर के इक्वल आएगा। कैसे देखो ट्रायंगल दे रखी है एबीसी जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और बी डी है वो किसके इक्वल है 1/3 ऑफ बी सी के। अब हमें प्रूव ये करना है, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए पी, किस पर बी सी पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब प्रूफ करेंगे देखो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर बी सी पर, और बी सी पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो बी पी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 बी सी, कि बी पी है अगर ये परपेंडिकुलर तो इसके हाफ में हो गया तो BP को हम क्या लिख देंगे 1/2 ऑफ BC, और इसी तरह से BD है BD हमारे पास क्या दे रखा है 1/3 टाइम्स ऑफ BC, तो इसको हमने इसमें सॉल्व कर दिया। कैसे DP हम निकाल लेंगे, कि DP निकालने के लिए हमने क्या कर दिया ये अगर हमें निकालना है तो टोटल हमारे पास क्या है BP, BP में से हम BD को माइनस कर देंगे तो BP हमारे पास कितना था
वन बाई टू बी सी, उसमें से हमने बी डी को माइनस कर दिया, वन बाई थ्री बी सी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई सिक्स बी सी। ये हमारे पास क्या आ गया, डी पी, ये डी पी ही हमारे पास आ गया वन बाई सिक्स बी सी इन ट्रायंगल ए पी बी। अब हमारे पास ट्रायंगल है ए पी बी, ए पी बी ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अगर इसको इक्वल ले रहे हैं तो इसको एस जी टी छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, बी पी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर। किसको लिख दिया, ए पी स्क्वायर को, ए पी का स्क्वायर है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए पी के स्क्वायर को हमने लिख दिया ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल हो या फिर हाफ लो, दोनों में हमारे पास सेम आना है। तो डी पी की जो है हमने क्या लिख दिया कि ए पी स्क्वायर माइनस डी पी का स्क्वायर। अब इसको बी पी है हमारे पास, बी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन बाई टू बी सी, तो वन बाई टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी पी, डी पी की वैल्यू कितनी है, 1 बाई सिक्स बी सी, इसका होल स्केयर कर देंगे। इसी तरह से इधर क्या आ जाएगा, इधर तो हमारे पास ए बी का स्केयर है इज इक्वल टू 1 बाई टू का कर दिया 1 बाई फोर बी सी स्केयर प्लस ए डी स्केयर माइनस 1 बाई सिक्स का 1 बाई 36 बी सी स्केयर। 36 को एलसीएम ले लेंगे, उधर जाएगा तो क्या आएगा, 36 ए बी स्केयर, 4 9 जा 36 तो 9 ए बी स्केयर प्लस 36 ए डी स्केयर माइनस 1 ए बी स्केयर। अब हमारे पास तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो इसका हम यूज करेंगे 36 ए बी स्केयर, इसको इधर लेके आए माइनस 9 ए बी स्केयर, और इसको भी इधर लेके आए तो प्लस ए बी स्केयर इज इक्वल टू 36 ए डी स्केयर। इसको अगर हमने सोल्व किया तो क्या है, 28 ए बी स्केयर इज इक्वल टू 36 ए डी स्केयर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 7 ए बी स्केयर इज इक्वल टू 9 ए डी स्केयर, और ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन साइड इज, किसी भी हमारे पास एक साइड का 3 टाइम्स कर दिया, बोल दिया कि प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्केयर वन ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स ही। इक्विलेटर है तो सभी साइड इक्वल हैं, तो कोई भी बोल दो ए बी ए सी या बी सी, उसका 3 टाइम्स कर दे स्केयर और इज इक्वल टू हो जाएगा उसके स्केयर का 4 टाइम्स ए डी के एल्टीट्यूड का। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइड इक्वल है, ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी पर, प्रूव करना है हमें 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्केयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड स्केयर। ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में हमने क्या लिया, ए बी का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी स्केयर प्लस डी बी स्केयर, ए डी स्केयर हमने निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए बी स्केयर माइनस बी डी स्केयर हो जाएगा, ए बी स्केयर माइनस बी डी को हम क्या लिख देंगे, बी सी का हाफ तो 1 बाई टू बी सी स्केयर, ए बी स्केयर माइनस 1 बाई फोर बी सी स्केयर। अब ए बी और बी सी को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी जगह भी हमने क्या रख लिया, ए भी रख लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसमें से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, 4 हमने पहले एलसीएम ले लिया तो 4 को इधर ले आएंगे, 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी की जगह फिर से हमने क्या रख देंगे, ए भी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4 ए डी स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, द एंगल बी इज, अब हमारे पास ये बताना है कि एंगल क्या है, हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी साइड है उसको स्केयर कर देंगे, अगर उसका स्केयर उन दोनों के स्केयर के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स 90 डिग्री का है, तो क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी सी तीनों देर के सबसे बड़ी कारण है 12, तो क्या लिखेंगे, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, 12 स्केयर इज इक्वल टू 6√3 स्केयर प्लस 6 स्केयर, 12 का स्केयर 144 इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36, 36 की और 3 की मल्टीप्लाई 108 आ जाएगी प्लस 6 स्केयर 36, दोनों को प्लस कर देंगे 144, दोनों साइड इक्वल हैं तो हमारे पास क्या है, पीजीटी थ्योरम एप्लीकेबल, पीजीटी थ्योरम एप्लीकेबल होते ही हम क्या बोल देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, सो एंगल बी है वो हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.5। ओके, थैंक यू।